हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज के ऊपर। हम देखेंगे हायर परचेज है क्या, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं हायर परचेज है क्या। तो फ्रेंड, इन सिंपल टर्म वी कैन सेलेक्ट दैट हायर परचेज इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू बी परचेज ऑन फ्यूचर डेट। तो फ्रेंड, सिंपल से आप बोल सकते हैं कि हायर परचेज क्या है, एक मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिक्स एसेट्स को हम परचेज कब करेंगे, फ्यूचर डेट में करेंगे, बट उस एसेट्स का हम यूज कर सकते हैं टू द पेइंग ऑफ द स्मॉल इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स हम उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं एंड उस एसेट्स के अगेंस्ट हम क्या करने वाले, एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। एंड उस स्मॉल इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलेंगे, हायर चार्जेस। और वो हायर चार्जेस क्यों होगा, जस्ट बिकॉज हमने क्या किया है, उस एसेट्स को तो यूज कर रहे हैं बट उस एसेट्स का फुल वैल्यू हमने अभी तक पे नहीं किया है। एक स्मॉल अमाउंट पे करके देन आगे का हमने क्या किया, एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करने वाले हैं। तो उसके बिहाफ पे हम जो भी एसेट्स को यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, हायर चार्जेस। बट इवन हम और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हम उस एसेट को यूज तो कर रहे हैं बट हम उसके अभी तक ओनर नहीं है। जैसे हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उस एसेट्स के हम क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको हायर परचेज यहाँ पे क्लियर है एग्जैक्टली हायर परचेज होता क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ हायर परचेज। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, द हायर परचेजर बिकम द ओनर ऑफ द एसेट आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे मैंने आपको बोला, हायर परचेजर उसका ओनर कब होता है, जैसे ही वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है वो क्या हो जाता है, उसका ओनर हो जाता है, बट तब तक वो उस एसेट को यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एवरी इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज अ हायर चार्ज फॉर यूजिंग द एसेट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम जो स्मॉल इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक हायर चार्जेस होता है। और वो चार्ज क्यों होता है, जस्ट बिकॉज हम उस एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमको एक चार्जेस पे करना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, हायर परचेजर कैन यूज द एसेट राइट आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट विद द हायर वेंडर। मतलब वेंडर के साथ जो सेलर है उसके साथ उनका क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर आप बोल सकते हो उनका एक एग्रीमेंट होता है। आफ्टर दैट उसको क्या हो जाता है, एसेट्स का राइट मिल जाता है कि वो उस एसेट को यूज कर सकता है। देन लास्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए, द हायर वेंडर हैज द राइट टू रिपोज द एसेट इन केस ऑफ डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पे हायर जो वेंडर है, सेलर के पास ये अथॉरिटी है, अगर परचेजर क्या कर रहा है, फुल इंस्टॉलमेंट या फिर फुल पेमेंट नहीं कर पा रहा है, फिर कुछ डिफिकल्टीज आ रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, परचेसर से उस एसेट्स को ले लेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, एडवांटेजेस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, इमीडिएट यूज ऑफ द एसेट विदाउट पेइंग द एंटायर अमाउंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट के थ्रू, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। यहाँ पे क्या हो सकता है, हायर परचेसर क्या करता है, उस एसेट्स को इमीडिएट यूज करता है जबकि उसने अभी तक पूरा अमाउंट पे नहीं किया होता, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, हायर परचेसर बिकम द ओनर ऑफ द एसेट्स इन फ्यूचर। डेफिनेटली वो एसेट्स का ओनर कब बनता है, फ्यूचर में, जैसे ही वो क्या करता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ एन एसेट थ्रू हायर परचेस इज वेरी इजी। डेफिनेटली ये इजी क्यों है, जस्ट बिकॉज आप एक ही साथ फुल अमाउंट पे ना करके एक स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करके आप क्या कर रहे हो, एटलीस्ट आप उस एसेट को यूज तो कर रहे हो विदाउट पेइंग द एंटायर अमाउंट, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हायर परचेसर गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हायर बाय हिम। तो हायर परचेसर क्या करता है, डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट लेता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, हायर परचेसर ऑल्सो इंजॉय द टैक्स बेनिफिट ऑन द इंटरेस्ट पेबल बाय नेम। तो हायर परचेस यहाँ पे क्या कर सकता है, टैक्स बेनिफिट भी लेता है, टैक्स के लिए क्लेम भी कर सकता है वो। तो फ्रेंड, ये थे एडवांटेजेस हायर परचेस के, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देखिए क्या है, ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स आपने तब तक उसके चार्जेस तो पे किया है, जस्ट बिकॉज आप उस एसेट को यूज कर रहे हो, बट आपको ओनरशिप कब मिलती है, जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तब तक आपको उसकी ओनरशिप नहीं मिलती, तो ये एक डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हो।
देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंड इन्वॉल्व इन द हायर परचेज आर वेरी स्मॉल एंड ओनली स्मॉल टाइप ऑफ एसेट. मतलब ये हायर परचेज किसके लिए होगा, एक स्मॉल, कोई भी आप बाय कर रहे हो, तो फ्रेंड सिंपल से आप क्या बोल सकते हो हायर परचेज के लिए, एक तो आप क्या बोलेंगे शॉर्ट टर्म्स के लिए आप बोल सकते हो, और एक स्मॉल टाइप ऑफ एसेट्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, लाइक आपको कार ट्रक या फिर कुछ बाय करना है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हायर परचेज का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्या है देखिए यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू हायर परचेज इज वेरी इजी. सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू हायर परचेज इज वेरी हाई. तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हाई क्यों होता है, बिकॉज आपको उसके एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, हायर का चार्जेस भी पे करना पड़ता है. इट मीन्स आप सिंपल सा बोल सकते हो, सपोज अगर वो जो भी आपने कार या फिर कुछ भी बाइक किया, अगर वो 60,000 का है या फिर 1,60,000 का है, तो आपको उसका जो आपने यूज किया उसका हायर चार्जेस भी पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं करके वो 2,00,000 के आसपास जाता है. तो इट मीन्स थोड़ा सा इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपको इंस्टॉलमेंट बेस मिल रहा है. तो फ्रेंड ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेस. तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे हायर परचेस है क्या, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर है. तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट जो बेस होता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो किसके ऊपर होगा, हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के ऊपर होगा. एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. I'm not the one who's running out of time.